Hey guys, what's up? Welcome to Shahji Vlogs. Today, we have come to Jay. Jay here in Canada, Jay ho gaya, jo India, Delhi, mein Jagpreet hota tha. Change, dekhi, drastic change. So, this is Toronto from Winnipeg. So, I will tell you a little bit about this. This was in Canada September intake. Mein Canada tha. Last year, Jan intake was in Canada. Tha. बाकी ये पहले डायरेक्ट विनीपेग आया था तो इसको विनीपेग अच्छा नहीं लगा इसने मूव मार लिया टोरंटो तो इसने विनीपेग भी देख लिया टोरंटो भी देख लिया तो अब हम इसे पूछते हैं कि ये वैसे थोड़ा सा ना बंदा खुश मिजाज वाला है पहली बार कैमरे के सामने तो थोड़ा बहुत शाय या थोड़ा सा डरा नर्वस लग रहा है मेरे को पर कोई ना धीरे धीरे ठीक हो जाएगा तो इसने दोनों मतलब टोरंटो भी देख लिया विनीपेग भी देख लिया इससे पूछते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में क्योंकि मेरे को लोगों के बहुत मैसेज आते हैं कि पाजी बताओ हम टोरंटो जाएं विनीपेग जाएं तो आप जगप्रीत से सारे क्वेश्चन का सवाल पूछते हैं मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं सवाल नहीं पूछते तो एक एक करके हम शुरू करते हैं पहले तो जगप्रीत तू विनीपेग आया था मेरे को ये बता देखो जब तू पहली बार विनीपेग आया और तू पहली बार टोरंटो गया तो तेरे को फील कैसा हुआ मेन ये चीज है तो दिल्ली से विनीपेग आया और टोरंटो आया ठीक है तो तेरे को अच्छा कौन सा लगा और फील क्या थी दोनों की थोड़ी लोकी जगह है तो वहाँ पर ना मतलब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है ऐसा नहीं होगा कि अगर तुम फॉरेन आ रहे हो तो लगेगा चलो फॉरेन आ गए नॉर्मल लगेगा ठीक है लेकिन टोरंटो ऐसा है कि अब अगर आप टोरंटो जा रहे हो तो वहाँ पे आपको जब डाउनटाउन में जाओगे तो बहुत वो मिलेगा एक्सपोजर मिलेगा इतनी सारी बिल्डिंग्स होंगी तो ऑब्वियस है कि अगर मैं जा रहा हूँ टोरंटो टू विनीपेग तो मेरे को लगेगा कि विनीपेग बेकार है समझ रहे हो मेरी बात ठीक है लेकिन अगर हम देखा जाए फेयर वाइज यहाँ पे बसेस वगैरह स्टूडेंट्स के लिए बड़ी सस्ती है 270 में हो जाता है पूरा सेमेस्टर वहाँ पर 130 है फॉर वन मंथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है हाँ जी बहुत एक्सपेंसिव है सर बहुत एक्सपेंसिव है ख़त्म हो जाओगे आप लेकिन ये है कि वहाँ पर अपना क्या कहते हैं जॉब्स की बात है तो इतनी जॉब्स हैं तुम घूमते रहो 7 दिन रिज्यूमे इधर उधर दे आओ तुम्हारा मन नया काम करने का तो मिल ही जाएगा ठीक है तो अब हम इससे पूछते हैं जो भी मतलब इंडिया से बंदा आता है पंजाबी गए पंजाब से आता है दिल्ली से आता है उसका पहला मेन मोटिव यही होता है वहाँ जाके पैसे कमाने हैं ठीक है तो पैसे तो अभी हमने भी नहीं कमाए लेकिन यही है कि अब पैसे अगर कमाने हैं मेहनत करो नहीं मेहनत तो करेंगे ही वो सारे पंजाब से वही आ रहे हैं पर उनको ये बता कि टोरंटो में जॉब आसानी से मिल जाती है या विनीपेग में या टोरंटो में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू विनीपेग या क्या सिस्टम है और कैश का भी बताइए क्योंकि कैश पे भी लोग ढूंढते ही हैं जॉब बाकी कैश पे इलीगल है मैं पहले ही बता दूं कि कैश पे काम ना करा करो करोगे तो अपने उस पे देख के काम करा करो तो बता लोगों को कि वहाँ पे और जॉब्स का क्या मतलब जॉब्स का क्या डिफरेंस है आसानी से मिल जाती है या नहीं मिलती वहाँ पे यार वहाँ पे ना जैसे टोरंटो में अगर तुम रह रहे हो तो बेसिकली ना उसके पास बहुत सारी सिटीज हैं उसको GTA सिटीज बोलते हैं ब्रैम्पटन स्कार्बो मार्कम ये सारे वॉन तो अब इतने सारे एरियाज हैं इतने सारे लोग रहते हैं पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यही है हर बंदे को हर चीज़ की नीड होती है तो अब हर बंदे को कोई चीज़ होती है अब तो वहाँ पे किसी चीज़ पे लोग ऐड डाल देते हैं कि हमें एक दिन की ज़रूरत है मूविंग में वहाँ पर भी तुम्हें काम मिल सकता है बाकी अगर तुम्हें रेगुलर काम चाहिए तो मैकडॉनल्ड्स इतने सारे हैं वहाँ पे और इतने सारे स्टोर्स हैं डिपार्टमेंटल ये सब तो मतलब थोड़ी वो वहाँ पे थोड़ी डेवलपमेंट ज़्यादा है तो इसलिए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है वही सेम बात आ जाती है अभी विनीपेग काइंड ऑफ डेवलप हो रहा है इसलिए थोड़ी कम है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब वहाँ पे जॉब ज्यादा है एज कम्पेयर टू विनीपेग तो वहाँ पे वेज रेट भी विनीपेग से ज्यादा है वहाँ का वेज रेट स्टार्टिंग कितना 14 और यहाँ पे कुछ 11 कुछ है तो वेज रेट में भी डिफरेंस है तो अब हम बात करते हैं उसके बाद एक्सपेंसेस की क्योंकि हमने पैसे तो कमा लिए अब वो तो खर्च भी करने हैं तो वहाँ का एक्सपेंस कैसा है और यहाँ पे एक्सपेंस कैसा है देखो अगर मैं अपना पर्सनली बात करूँ तो मेरा एक मंथ का रेंट 550 है जो कि मतलब मेरे को लकीली मिला नहीं तो 650 या फिर 700 में मिलता है सिंगल रूम का हाँ जी प्राइवेट रूम अगर आपको लेना है वहाँ पे एक दो बंदे शेयर कर रहे हो हाइजीन आपको चाहिए और आपको अपना थोड़ी पर्सनल स्पेस ये होती है क्योंकि अगर तुम इकट्ठे रह रहे होते तो फिर वही है किसी बंदे को पढ़ाई करनी होती है उस टाइम पे किसी बंदे को वीडियो देखनी होती है किसी बंदे को गाने सुनने होते हैं तो मेरे को वो सब पसंद नहीं है
तो अगले ने प्राइवेट रूम लिया हुआ है 550 में, जे वहाँ पे 650 का भी मिलता है, 700 का भी मिलता है, पर तू लकी है देखो 550 का मिला, मतलब वहाँ पे रूम के रेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे पंजाबी बंदा है, यहाँ पे भी गाड़ी लेगा वो, तो वहाँ पे भी गाड़ी लेगा। गाड़ियों की इंश्योरेंस में कितना डिफरेंस है वहाँ पे, वो तो जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप ब्रैम्पटन रह रहे हो तो वहाँ पे जितने भी पंजाब के आए हुए हैं, थोड़े बहुत जो होते हैं, थोड़े जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं, उनके जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कभी कभार ठोक देते हैं। उधर गाड़ी तो ब्रैम्पटन की वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस है, एक महीने की $400 है। तो अगर जो बंदे को वहाँ पे गाड़ी लेनी है तो उसको कम से कम एक महीने का $1,000 तो उसके पास होना ही चाहिए फालतू का, सिर्फ गाड़ी का। हाँ, मतलब एक महीने अगर आपने गाड़ी लेनी तो कैश पे गाड़ी लें तभी भी $1,000 होना चाहिए या किश्तों पे मिला के चाहिए इतना? क्योंकि अगर तुम $500 की तुम अगर तुम इंश्योरेंस दे रहे हो, उसके बाद फिर जब तुम अपनी गैस जलवाओगे, उसके बाद फिर तुम अपने स्कूल जा रहे हो तो फिर वहाँ पे तुम पार्किंग दोगे, ओके, फिर आप कहीं और जा रहे हो, फिर वो प्लान्स बनते ही रहते हैं। उसके बाद वही अगर तुम गाड़ी अगर तुम ले रहे हो, उसके बाद तुम अगर उसको यूटिलाइज भी कर रहे हो ऊबर ईट्स वगैरह के साथ, तो मतलब अगर तुम ऊबर ईट्स भी पूरा महीना चलाओगे 20 घंटे, तो तुम्हारी सिर्फ एक्सपेंस निकल पाएगा गाड़ी का। ओके, तो मतलब $1,000 बंदे के पास होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं वहाँ पे रेसिज्म का क्या सीन है, क्योंकि लोग इंडिया से आ रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रेसिज्म है या नहीं है, या विनिपेग में है या टोरंटो में है, क्या सिस्टम क्या रेसिज्म का? देखो ये सीन है कि अगर तुम इधर आ रहे हो तो कुछ कुछ बंदे तो होते ही है, तो थोड़ा बहुत रेसिज्म करते हैं, लेकिन कैनेडा इज लाइक अ प्लेस फॉर नेटिव्स, यू ऑलरेडी नो, तो वहाँ पे सारे रह सकते हैं। तो कुछ लोग एक दो होते ही हैं जो थोड़ा बहुत रेसिज्म करते हैं, लेकिन उसका कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं। कैनेडा इज नोन फॉर गुड पीपल, दे आर ऑलवेज लाइक नाइस टू यू, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए रेसिज्म वगैरह वाले सीन में। बिकॉज लाइक अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी है और तुम नाइस हो लोगों के साथ, तो रेसिज्म ज़्यादा चलता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो होगी रेसिज्म की बात, बाकी हम पूछते हैं वहाँ के जो कॉलेजेस हैं, और विनीपेग के कॉलेज भी तूने देखे हुए हैं, डिफरेंस के कॉलेज में पढ़ाई तो सेम होगी, कनाडा की पढ़ाई है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट देखा जाए तो अगर मैं अपना पर्सनल बेसिस पे देखा जाऊँ तो मैं प्रेफर करता कि मैं विनीपेग वाले कॉलेज में जाऊँ, बिकॉज वहाँ पे लोकल्स ज़्यादा हैं। तो मेरा ये सीन है कि अगर मेरे को किसी कॉलेज में जाना है तो वहाँ पे लोकल्स का मेरे मतलब है कि जो कैनेडियन लोग हैं वो थोड़े ज़्यादा हों, बिकॉज इफ़ यू आर लाइक लिविंग विद देम, यू नो अबाउट देयर कल्चर, लाइक हाउ दे डू टॉक, एंड इनके बहुत सारे स्लैंग्स होते हैं, इंग्लिश स्लैंग्स विच यू रियली वांट टू नो, बिकॉज लाइक इफ यू आर टॉकिंग टू देम, पर्सनल आपका डेवलपमेंट होती है जहाँ पे, अगर आप लोकल्स के साथ पढ़ रहे हो, टोरंटो वाले एरिया में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको एक्सपोजर थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी कम्युनिटी के बंदे बहुत ज़्यादा होंगे। तो मेरा ये है कि अगर मैं किसी कंट्री में आया हूँ तो मैं उनका कल्चर भी फॉलो करूँ, मेरे को पता चल तो चले कि यहाँ पर होता क्या है, कैसे चलती है यहाँ पे जिंदगी। बढ़िया, तो ये सीन है। तो ये होगी हमारे कॉलेजेस की बात, बाकी हम बात करते हैं जो मेन मुद्दा PR का, जिसके लिए पंजाबी बंदा कैनेडा आता है। PR कहाँ पे आसान है, टोरंटो या विनीपेग? देखो मैं भी आपकी तरह ही आया हूँ 6 महीने पहले, ठीक है, तो PR तो अगर विनीपेग में हूँ, विनीपेग अब थोड़ा गांव से आया है, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे अगर तुम ज़्यादा टाइम रह लेते हो वर्क परमिट पे, तो फिर वही है कि अगर तुम यहाँ पे रह रहे हो तो तुम्हें पहले प्रोविंशनल PR जल्दी मिल जाएगी, सिर्फ मैनिटोबा की, तो तुम मैनिटोबा में परमानेंटली रह सकते हो। फिर तुम अगर मैनिटोबा रह रहे हो ज़्यादा टाइम तक, उसके बाद तुम अपनी कंट्री PR के लिए अप्लाई कर दो, फिर मूव हो जाओ। अभी मैं टोरंटो हूँ, अगर मेरे को कोई दिक्कत होगी PR में बाद में, मेरे को पता तो है नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर कोई होगी तो देख लेंगे, उस टाइम कहीं मूव कर जाएंगे दूसरे प्रोविंस में जहाँ पे इजी है PR। तो मतलब टोरंटो में एज कंपेयर टू विनीपेग मुश्किल है PR? हाँ जी, नहीं तो लास्ट में आप शादी ऑप्शन तो है ही है। शादी तो गोरी फसाओ तो शादी करो, PR बड़ी छत्ती हो जाएगी। सो बाकी और कोई जो तेरे मन में हो जो मेरे को याद ना आ रहा हो टोरंटो विनीपेग से कंपेयर में, क्राइम कैसा है? क्राइम रेट भी बहुत बड़ी चीज है, विनीपेग में क्राइम ज्यादा या टोरंटो में? देखो मैं तो इसलिए मूव हो गया था यहाँ से, क्योंकि जब मैं इधर आया था तो पहले ही मंथ में किसी इंटरनेशनल लड़की का मर्डर हो गया था। सीरियसली? हाँ जी। अच्छा, तो मैं तो फिर मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा ज्यादा टाइम। पर ये डराने की बात नहीं है, चलो वो तो हो गया पर
एक क्राइम यहाँ पे है, थोड़ा सा है। सो ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है। टोरंटो में भी मैंने सुना है क्राइम है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तो क्राइम वहाँ पे भी थोड़ा सा ज्यादा है। विनीपेग में भी क्राइम है, तो ऐसी बात नहीं है कि आप कैनेडा आ गए तो यहाँ पे क्राइम फ्री है। इंडिया में क्राइम इंडिया में भी है, पर एज कम्पेयर टू कैनेडा, कैनेडा में थोड़ा सा कम है, पर है ना भाई। चाहे टोरंटो चाहे विनीपेग हो, क्राइम यहाँ पे भी है। सो यहाँ पे भी अगर आप घूम रहे हो तो अपना ध्यान रखो, बी सेफ रहो हमेशा। बाकी कोई और आपको कुछ कहना हो? और ये सीन है कि अपना अगर आप विनीपेग रह रहे हो तो ये सीन है कि अगर तुम वहाँ पे डाउनटाउन घूम रहे हो ना अगर रात को, तो बड़ा अनसेफ है, क्योंकि हाँ, होता ही नहीं वहाँ पे कोई डेड। विनीपेग का डाउनटाउन रात को बहुत ज्यादा अनसेफ है, सो बी सेफ इन डाउनटाउन ऑफ विनीपेग। बाकी अपना ध्यान रखो। तो मैं, मेरे को लगता है अब हमें वीडियो खत्म कर देनी चाहिए, हमने सारी चीजें तो कवर कर ली हैं, ठीक है। तो आप वीडियो नू कर दे खत्म। मैं जगप्रीत को, जे को, जे जो कनाडा आके जे हो गया, इसको बहुत बहुत थैंक यू कहूंगा। भाई को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इसकी इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो थैंक यू सो मच ब्रो फॉर व्लॉग के लिए टाइम देने के लिए, और तो बाकी हमसे विनीपेग मिलने हैं उसके लिए थैंक यू। तो आप व्लॉग नू कर दें खत्म, तो मिलते हैं फिर तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग। जो व्लॉग वधिया लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर शब्बा खैर, अलविदा ना कहना। ओके जी, टाटा।